हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ये हमारा रहेगा लेक्चर 21, फर्स्ट चैप्टर का 21 लेक्चर हमारा रहेगा। इससे पहले हमने देखा था लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, पहले हम समझते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। हमने आगे भी ये देखा था, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर को हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। देखिए, कोई भी हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, ये हमारा सोर्स कोड होता है। सोर्स कोड, जैसे मान लीजिए मैंने पाइथन में कुछ लिखा, मैंने प्रिंट किया यहां पर हेलो लिखा, तो सिस्टम तो इससे समझेगा नहीं। क्या करेगा सिस्टम के लिए, बीच में मीडिएटर में एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर ट्रांसलेटर होते हैं। उसकी हेल्प से मशीन कोड में ये क्या करता है, मशीन कोड में आपका डेटा जो है वो कन्वर्ट होगा। मशीन कोड में ये क्या करेगा, कन्वर्ट करता है आपके सोर्स कोड को। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपके इसमें तीन होते हैं, जिसमें पहला आता है आपका कंपाइलर, दूसरा आता है आपका इंटरप्रेटर और तीसरा आता है आपका असेंबलर। असेंबलर, तो हम लोग बात करते हैं कंपाइलर इंटरप्रेटर। सिंपल क्या होते हैं, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर तो है जो जिसका काम क्या होता है, सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना होता है। तो अब इसके हम लोग डिफरेंस की बात करेंगे। इट स्कैन द एंटायर प्रोग्राम फर्स्ट एंड ट्रांसलेट इट इनटू मशीन कोड। ये पूरे कोड को, मतलब आपने मान लीजिए आपने 100 नंबर का कोड लिखा है, इस पूरे कोड को एक साथ ही स्कैन करेगा, उसके बाद कन्वर्ट करेगा आपके मशीन कोड को। जबकि इट स्कैन द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एंड ट्रांसलेट इनटू मशीन कोड। अब इंटरप्रेटर की बात करते हैं, एक लाइन लिखी, इसको स्कैन करेगा, मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। फिर दूसरी लाइन लिखी, स्कैन करेगा, मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा आपका इंटरप्रेटर। तो पहला डिफरेंस तो यही है कि कंपाइलर एक साथ पूरे कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, इंटरप्रेटर आपका लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। दूसरा है कंपाइलर जनरेट एन इंटरमीडिएट मशीन कोड। कंपाइलर जो होता है, कंपाइलर क्या करता है आपका, एक इंटरप्रेटिव मशीन कोड भी जनरेट करता है, उसके बाद मशीन समझेगी आपके डेटा क्या है। इंटरप्रेटर नेवर प्रोड्यूस एनी इंटरमीडिएट मशीन कोड, ये कोई भी इंटरमीडिएट मशीन कोड जनरेट नहीं करता है इंटरप्रेटर। कंपाइलर जो जनरेट करता है इंटरमीडिएट कोड, उसको बोलते हैं आपका बाइट कोड, उसके बाद कन्वर्ट होता है मशीन कोड। जबकि जो इंटरप्रेटर है वो डायरेक्टली आपका मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा और समझेगा क्या आपने राइट अप किया है, मशीन समझेगी उसको। कंपाइलर जनरेट एन आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ .exe फॉर्मेट। .exe फॉर्मेट में आपका जो भी आउटपुट है वो जनरेट करता है कंपाइलर। इंटरप्रेटर डज नॉट जनरेट एनी आउटपुट, ये किसी भी टाइप का आपका आउटपुट जनरेट नहीं करेगा, ये क्या करेगा मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद रिजल्ट आपको जनरेट करके दे देगा। कोई इसका फॉर्म जो है वो जनरेट ये नहीं करता है। तो मैक्सिमम टाइम हम लोग कंपाइलर को ही ऑथोराइज करते हैं। एरर आर डिस्प्ले इन कंपाइलर आफ्टर कंपाइलिंग टूगेदर एट द करेक्ट टाइम। मतलब जब आप पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, उसके बाद भी अगर कहीं किसी भी लाइन पे आपकी एरर है तो तब ये दिखाएगा। जबकि इंटरप्रेटर में देखिए, एक लाइन आपने लिखी, उसके बाद कंपाइल किया, अगर इस लाइन में एरर होगी तो तुरंत बता देगा, दूसरी लाइन लिखी एरर होगी तो तुरंत बता देगा। यानी लाइन बाय लाइन आपको एरर भी फाइंड आउट करता है इंटरप्रेटर। सीपीयू यूटिलाइजेशन मोर इन केस ऑफ कंपाइलर। कंपाइलर में सीपीयू का यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि एक साथ प्रोग्राम पूरा आपका रन हो रहा है, पूरा मशीन कोड में कन्वर्ट हो रहा है, तो यूटिलाइजेशन ज्यादा होता है। जबकि सीपीयू यूटिलाइजेशन जो होता है लेस होता है आपका इंटरप्रेटर के केस में, क्योंकि आप लाइन बाय लाइन कन्वर्ट कर रहे हैं। कंपाइलर मोर ऑफन टेक अ लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम फॉर एनालाइजिंग द सोर्स कोड। सोर्स कोड को एनालाइज करने में भी टाइम ज्यादा लेता है, क्योंकि 100 नंबर ऑफ लाइनें हैं आपकी, तो उनको रीडअप करने में टाइम ज्यादा लेगा। जबकि ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन एक एक लाइन को रीडअप करेगा और उसको क्या कंपाइल करता रहेगा, यानी उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता रहेगा, तो ये टाइम जो होता है वो कम लेता है आपका। ऑब्जेक्ट कोड इज परमानेंटली सेव इन अ फ्यूचर यूज। इसमें जो ऑब्जेक्ट कोड होता है वो परमानेंटली स्टोर रहता है आपका, फ्यूचर में आपको जब भी जरूरत होगी आप उसे एक्सेस करते हैं। इसमें कोई ऑब्जेक्ट कोड जनरेट ही नहीं होता है, तो आपका सेव भी नहीं रहेगा। इट डज नॉट रिक्वायर सोर्स कोड फॉर लेटर एग्जीक्यूशन। इसमें आपको बाद में देखिए, आपका ऑब्जेक्ट कोड जनरेट हो गया तो उसके बाद आपको सोर्स कोड की अब जरूरत नहीं है, आप ऑब्जेक्ट कोड से डायरेक्ट रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। बट जबकि इसमें क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट कोड तो जनरेट हो नहीं रहा है, तो सोर्स कोड की जरूरत पड़ेगी। तो इट रिक्वायर सोर्स कोड फॉर लेटर एग्जीक्यूशन, बाद में अगर सेम प्रोग्राम आपको रन करना है तो आपको सोर्स कोड चाहिएगा। इट वर्क बेस्ट फॉर दी प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में कुछ वर्क कर रहे हैं तो वहां पर इसका यूज होता है कंपाइलर का। इट वर्क द बेस्ट फॉर दी प्रोग्रामिंग एंड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में आपका मेनली वर्क होता है।
हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आपके कंपाइलर यूज होता है, एंड हाई लेवल, ये भी आपका हाई लेवल एंड लो लेवल दोनों में आप वर्क कर सकते हैं इंटरप्रेटर का. सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प एक्सेट्रा आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट आर कंपाइलर बेस्ड. ये सारी आपके कंपाइलर बेस्ड होती हैं. पाइथन है, रूबी है, पर्ल है, ये क्या होती है हमारी, ये इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेजेस है, यानी इनको रन करने के आप इंटरप्रेटर का यूज कर सकते हैं. तो ये डिफरेंस था आपका कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर में. इंपॉर्टेंट है आपका डिफरेंस, ये बहुत बार पूछा जाता है. तो ये आपके 11 डिफरेंस थे कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर में. ये हमने देखा आज का आपका टॉपिक 20 लेक्चर 21. इसके बाद नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 2, नंबर सिस्टम क्या होते हैं आपके, कैसे आप वर्क करेंगे उस पर, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में. थैंक यू स्टूडेंट.